अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग की बनाने जा रहे हैं एक और ही वैरायटी मज़ेदार जो कि बिरयानी की है। तो ये है चिकन 65 बिरयानी। तो इसकी चीज़ जो आपको चाहिए, सबसे पहले बोनलेस चिकन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर आपने इन्हें क्यूब्स में कटवा लेना है, 1 से 2 इंच के टुकड़ों में कटवा लें, बड़ा खूबसूरत दिखता है। तो ये वो हो गया। इसकी मैरिनेशन भी आपको चाहिए पिसी हुई लाल मिर्चें, दैट्स रेड चिली पाउडर, जर्दे का रंग मैंने पानी में मिक्स करके रखा हुआ है, अदरक और लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, कॉर्न फ्लाई, कॉर्न स्टार, जो भी आप उसको प्रोनाउंस करते हैं, चीज़ एक ही होती है। बेसिकली इस्तेमाल की जाती है कोटिंग वगैरह करने के लिए चिकन वगैरह पर, या फिर इसको सूप वगैरह को गाढ़ा करने के लिए। अंडा जाएगा, दैट्स एग, नमक हो गया, सॉल्ट, और बीच में इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर तंदूरी मसाला। ये मेरा होममेड है, आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इसका इशू नहीं, लेकिन आपको रेडीमेड का भी जो है लिंक वीडियो में दे दिया जाएगा। उसके बाद जो ये होता है इसका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप जो होता है, हमने इसको एक अलहदा से मसाले में टॉस करना होता है। उसके लिए आपको चाहिए योगर्ट, दैट्स दही है, थिक ग्रीक है, थोड़ी गाढ़ी वाली, फ्रेश लेमन जूस जाएगा, यानी नींबू का रस हो गया, हरी मिर्चें जाएंगी बीच में, इसे आप रफली काट लीजिएगा, करी लीव्स भी बीच में इस्तेमाल करेंगे, फ्रेश कर लें, ड्राई, दैट्स अप टू यू, आपके पास जो इजीली अवेलेबल हो। चावल हमेशा की तरह मैं बॉयल कर चुकी हूँ यहाँ पर, नमक के साथ में सिर्फ उसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। फिर इसके बाद एक बनता है इसका अलहदा से मसाला। फिर उसके लिए आपको जो चाहिए वो है टमाटोज, यानी कि टमाटर जो आप इसको ग्राइंड कर लेना है पेस्ट में, अनियंस हो गए, प्याज, इसे भी आप ग्राइंड करेंगे इनटू अ पेस्ट, और उसके बाद कोकोनट का मिल्क जो होता है वो आपको कैंस में आसानी से मिल जाता है, तो ये मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर आपको वो नहीं मिलता तो पाउडर ले लें और उसको पानी में मिक्स कर लें, चीज़ बिल्कुल सेम हो जाती है। अदरक और लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, फूड कलर येलो रंग का मैं इस्तेमाल करूँगी इसको कलर देने के लिए। आप बीच में केवड़ा वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा इस्तेमाल कर रही हूँ, ऑप्शनल है, योर चॉइस। पिसी हुई लाल मिर्च जाएंगे, 10 रेड चिली पाउडर, हल्दी हो गया, टर्मरिक, सॉल्ट है, नमक, गरम मसाला मेरा होममेड है। आपने इसको तेल में बनाना है, घी में, आपकी अपनी चॉइस पर है। इसमें थोड़ा सा मैं जो है मिंट के पत्ते भी इस्तेमाल करूँगी, तो आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें, या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहला काम हम यहाँ पे करने लगे हैं चिकन को मैरिनेट। तो इसके लिए जो है आप इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे जो कि अदरक और लहसुन का पेस्ट है, नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, तंदूरी मसाला, लेमन जूस, जर्दे का रंग। इसमें यह है कि ज़रा खूबसूरत सा कलर आ जाता है जब आप चिकन को मिक्स करेंगे, तो इसीलिए इसमें मैं थोड़ा सा कलर डाल रही हूँ, वरना आपकी अपनी चॉइस पर है कि अगर आपने डालना है या नहीं ऐड करना। इसके साथ ही आप यहाँ पर ऐड करेंगे अंडा, इसको एक हाथ से मिक्स कर लेते हैं ताकि तमाम मसाले अच्छे से इसके साथ जो है चिकन के साथ मिक्सअप हो जाएंगे। मिक्स कर लेने के बाद आप इस पर कॉर्नफ्लोर डालेंगे, और आपने इसको अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स करना है कि कॉर्नफ्लोर से ये अच्छे से कोट हो जाए, और फिर हम इसे यहाँ पे छोड़ देंगे फॉर अबाउट 20 to 30 minutes, 20 मिनट से लेकर आधे घंटे के लिए, और फिर इसको हम करेंगे डीप फ्राई। एक एक कर आप बोटी का पीस लेंगे, जिस तरीके से आप चिकन 65 बनाते हैं उसी तरीके से आपने ईच पीस लेना है, और इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसको अच्छे से पहले मैरिनेट हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं। अब आपने क्या करना है, तेल आप कर लेते हैं अच्छे से गर्म, और जो चिकन हमने मैरिनेट की थी उसमें आप एक एक पीस उठाएंगे, मेक श्योर कीजिए उस पर अच्छी कोटिंग हो, और आप इसे फ्राई करेंगे। पहले तेल गर्म होगा, उसके बाद आप इसको मीडियम और हाई के दरमियान में फ्लेम को रखकर आपने फ्राई करना, यहाँ तक कि चिकन कम्प्लीटली डन हो जाए, टेंडर हो जाए, और फिर आप इसको निकाल करके प्लेट पर रखें टिश्यू, और एक साइड पर रखते चले जाएंगे। तो ये हमारा बन जाता है यहाँ पर फ्राई करने से चिकन 65। तो इसको फ्राई हो जाने दें, बोनलेस है, जल्दी फ्राई हो जाएगा, फिर आपको दिखाते हैं। फिर देखने परफेक्टली यहाँ पर जो है ये फ्राई अप हो गए। अब आप इसे निकाल करके रखेंगे प्लेट पर टिश्यू पे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर आप रेड चाहते हैं, तो बेशक आप रेड फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कलर का कोई ऑप्शन इसमें जो है प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली। तो ये फ्राई हो गए, इस तरह तमाम फ्राई करते हैं और आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। नेक्स्ट स्टेप, ये चिकन फ्राई हो जाने के बाद तेल आप करते हैं गरम। तो यहाँ पर गरम हो चुका है, वही तेल जिसमें आपने इसको फ्राई किया मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। और इसमें आप डालते हैं सबसे पहले जो कि हरी मिर्च है, उसके बाद बीच में आप डालते हैं करी लीव। हाई फ्लेम पर आपने सिर्फ 1 मिनट के इसको जो है यहाँ पर उसी तरीके से सौते कर लेना है।
हरी मिर्चों को और करी लीफ को। अब आप ऐड करेंगे इसके अंदर जो कि हमारा फ्राइड चिकन 65 है। चिकन को ऐड करने के बाद अच्छे से इसको आप मिक्स करते हैं। फ्लेम आपने नीचे बिल्कुल भी इसकी लो नहीं रखनी है, एकदम आपने हाई रखना है इसको, ठीक है ना, ताकि इसकी कोटिंग जो है वो रिमूव ना हो जाए। और ज़्यादा इसमें हम चमचा भी नहीं चलाएंगे, ये मैं आपको बताना चाहूँगी, वरना फिर आपकी वही कंप्लेन होगी कि जिस वजह से कोटिंग रिमूव हो गई है। इसमें अब ऐड करेंगे लेमन जूस, इसमें जाएगी दही, फ्लेम को हाई पर रखें और सिर्फ इतना कर लें कि दही जो है इस उसका थोड़ा जो है पानी सा ड्राई हो जाएगा। फिर आपको दिखाते हैं, एक दफ़ा से उसको मिक्स कर लें इस तरीके से, फ्लेम हाई पर रखें और दही का पानी ज़्यादा थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो देख लें यहाँ पर ये परफेक्टली तैयार हो गया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। फ्लेम मैंने बिल्कुल हाई पर रखी थी ताकि इसकी कोटिंग रिमूव ना हो, और ज़्यादा मैंने इसमें चमचा भी नहीं चलाया। इसे रख देते हैं साइड पर। अब इसकी तैयारी करते हैं जिससे हमने इसका मसाला बनाना। कोई भी चीज़ ज़ाया ना करते हुए वही तेल दोबारा उसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था उसी में इसका मसाला बनाएंगे। तो तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है, इसमें आप ऐड करेंगे सबसे पहले जो हमने प्याज ग्राइंड की थी, अदरक और लहसुन का पेस्ट आएगा। फ्लेम आप रखेंगे हाई पर और आपने इसको यहाँ पर अच्छी तरह फ्राई कर लेना है ताकि जो है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो फ्लेम हाई पर रखें और इसको अच्छे से फ्राई कर लें। फिर देख लें परफेक्टली यहाँ पर जो प्याज है और अदरक लहसुन उसका कलर चेंज हो गया। इसमें ला करके अब ऐड करेंगे जो कि आपको टमाटर दिखाया था ग्राइंड किया हुआ, ये जाएगा बीच में, नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला। इसको यहाँ पर आप मिक्स करें और इसको मिक्स करने के बाद स्ट्रेट अवे इसके साथ ही यहीं पर हम ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क जो है, और आपने इसको हाई फ्लेम पे इतना पकाना है कि टमाटर का पानी बीच में खुश्क हो जाएगा और कोकोनट जो मिल्क है इसका भी लिक्विड ड्राई हो जाना चाहिए, और उसके बाद जो है तेल आ जाएगा सरफेस पर, तो हमारा मसाला तैयार हो जाता है। तो इसे अच्छे से पका लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। फिर तो देखिए यहाँ पर मसाला परफेक्टली इसका तैयार हो गया, तेल घी जिसमें भी आप बना रहे हैं वो आ गया सरफेस पर, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं कि आपने इसको किस तरीके से जो है लेयर करके दम पर रखें। लेयरिंग करने का तरीका ये होगा, आप लेंगे एक बड़े साइज़ की हांडी और उसमें आप डालेंगे जो मसाला हमने बनाया है आधा आप यहाँ पे डालेंगे, थोड़ा सा जो है मैं छोड़ूंगी चावलों के मिडल के लिए। इसको आप इसी के से थोड़ा सा फैला लेते हैं और इसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो कि चिकन 65 है, थोड़ी सी हम ये यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, इसको इसके साथ थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेते हैं। ये कर लेने के बाद आप इस पर ऐड करेंगे जो कि हमारे बॉइल्ड राइस हैं। इसी से चावलों को आप यहाँ पर फैला लेते हैं और फिर इसके ऊपर आप ऐड करेंगे जो कि बाकी का मसाला है, मसाला डाल लिया। उसके बाद आप इस पर ऐड करेंगे चिकन, इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लें। इसके ऊपर आप डालेंगे, ये ऑप्शनल है लेकिन मैं ज़रा प्रेफर करती हूँ डालना, तो इस पर थोड़ा सा मैं डालूँगी मिंट, पुदीना चला गया। अब बाकी के इस पर आप डालेंगे राइस, जर्दे का रंग, अगर आप चाहें तो रेड कलर भी डाल सकते हैं लेकिन मेरे पास आज वैसे रेड था भी नहीं तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया था येलो, बट दैट्स परफेक्टली फाइन। अब हम इसे दम पर रखेंगे कवर कर फर्स्ट हाई पर आप रखेंगे फ्लेम पर फॉर 10 मिनट्स, और उसके बाद आपने जो है इसको बिल्कुल लो दम पर रख देना अबाउट फर्दर 5 to 7 मिनट्स, और उसके बाद उसको हम करते हैं डिश आउट। दम दे देने के बाद उसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं, और इसके साथ जो मज़ा आता है वो एक्चुअली मैं प्रेफर करती हूँ लहसुन का रायता, उसके लिंक आपको ज़रूर दे दिया जाएगा। आपको रेसिपी पसंद आती है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पर विच इज़ कुक विद फायज़ा.net पर। बनाइए तब कैसा लगा दुआ में याद रखें,
and thank you for watching the video. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ.